आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम काचरी की सब्जी बनाएंगे। काचरी बहुत ही फ्लेवरफुल होती है, इससे कच्ची चटनी भी बनाई जाती है और इसमें तड़का लगाकर और इसे पकाकर इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आज मैं इसे छिलके के साथ ही बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप इसे छीलकर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक काचरी छीलकर दिखा देती हूँ। इसे छीलने के लिए आपको ऊपर की तरफ से नाइफ को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चलाना है, इससे काचरी बढ़िया से छिल जाती है। इसकी लेयर काफ़ी पतली होती है। अगर आप इसे पीलर की हेल्प से छीलने की कोशिश करेंगे तो मोटा छिलका उतरेगा, इसलिए इसे नाइफ की हेल्प से ही छीलें। और जब आप इन्हें काटें तो एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। कई बार इनके बीज कड़वे होते हैं और अगर एक भी काचरी कड़वी आ गई तो सब्जी में कड़वापन आ जाएगा। इसे टेस्ट करने के लिए आप इसकी थोड़ी सी लेयर हटा दें और इसके बीज निकाल कर टेस्ट करें, क्योंकि इसका कड़वापन बीजों में ही होता है। अब इसी तरह से सारी काचरी छील कर रेडी कर लें। क्योंकि मैं इन्हें छिलके के साथ ही बनाने वाली हूँ तो मैं आपको इन्हें छिलके के साथ काट कर दिखा देती हूँ। इसे काटने के लिए इसके ऊपर और नीचे का पार्ट हटा दें और फिर इसे बीच में से इस तरह से स्लिट कर लें। अगर काचरी छोटी है तो उसके दो हिस्से कर लें और अगर काचरी बड़ी है तो उसके चार हिस्से कर लें। और सारी काचरियों के बीच टेस्ट करना ज़रूर याद रखें, वरना सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब साइज़ के हिसाब से सारी काचरी काट लें। मैंने सारी काचरियों को काट कर रेडी कर लिया है और इनके बीज भी टेस्ट कर लिए। अब इन्हें साइड में रख देंगे और सब्जी के लिए थोड़ा सा मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मोटी कली लहसुन की ली हैं और इनमें 1 पिंच नमक डालकर इन्हें क्रश कर लिया। नमक के साथ लहसुन बहुत ही इजीली क्रश हो जाता है। अगर लहसुन बारीक हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अभी आपको पेस्ट थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन 2 मिनट में ही मसाले फूल जाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से पेस्ट बनाकर डालने से एक तो मसाले जलते नहीं हैं और दूसरा इससे सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसे साइड में रख देंगे और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। सरसों के ऑयल में काचरी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, साथ ही 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे, 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे और 1/2 टीस्पून कलौंजी डालकर इन्हें 10 से 12 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे और हमने जो मसाला रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें डालकर मिला देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट या मसाले के ऑयल छोड़ने तक भून लेंगे। मसाला बढ़िया से भुन गया है और इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हमने जो काचरी काट के रखी हुई है वो इसमें डालकर मिला देंगे। हम इन्हें 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए मसालों के साथ भून लेंगे, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। लगभग 1 मिनट भूनने के बाद काचरी पकनी शुरू हो गई है और ये देखिए इन पर मसालों की कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है। अब इन्हें ढक देंगे और ढककर 2-3 मिनट पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद इन्हें एक बार चला देंगे और जैसे ही मैंने इसकी लिड हटाई इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इन्हें फिर से ढक देंगे और ढककर 2-3 मिनट और पका लेंगे। मैंने अभी तक इन्हें लगभग 6 मिनट पकाया है। मुझे इनका क्रंच पसंद है, इसलिए मैं इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट और पकी हुई काचरी पसंद है तो आप इसे थोड़ी सी देर और पका लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। काचरी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलता है तो मैं इसमें लगभग 50 ml पानी डाल रही हूँ। इससे इसकी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप पानी का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दें। आज हम काचरी की खट्टी मीठी वाली सब्जी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें गुड़ या चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें गुड़ को क्रश करके डाल रही हूँ। ये लगभग 2.5 टेबलस्पून के करीब गुड़ है। इसका अमाउंट काचरी की खटाई पर भी डिपेंड करता है, तो आप एक बार इसे मिलाने के बाद टेस्ट कर लें। इसे अच्छे से मिलाने के बाद ढक देंगे और ढककर 2 मिनट फिर से पका लेंगे। इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए सब्जी कितनी कमाल की बनी है। ये देखने में ही इतनी सुंदर लग रही है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ा सा क्रंच है और इसकी ग्रेवी भी थिक हो गई है। इस तरह से काचरी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये राजस्थान में खूब बनाई जाती है। आप इसे कई तरीकों से बना सकते हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी।
अब लास्ट में इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। मैंने यहाँ पर दो मोटी वाली हरी मिर्ची को स्लिट करके लिया है। ये कम स्पाइसी होती हैं, तो आपको जैसा तीखा पसंद है उसके हिसाब से मोटी या पतली वाली कोई सी भी हरी मिर्ची डाल सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्जी तैयार है। इस तरह से काचरी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।